SK Culinary Art, source for easy and tasty recipe. Share and subscribe to my channel, SK Culinary Art. हेलो फ्रेंड्स, इसके कुलिनरी आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक मोदक की रेसिपी लाई हूँ, होममेड सेमोलिना रसगुल्ला मोदक। ये सूजी रसगुल्ला मोदक बनाने का आसान तरीका बताऊँगी। ये मोदक विद रसगुल्ला सरप्राइज आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, यूनिक सूजी रसगुल्ला मोदक रेसिपी। सूजी से रसगुल्ला मोदक बनाएंगे आज। तो उसके लिए पहले शुगर सिरप बनाना है। एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें शुगर ले लेते हैं। देखिए, एक कप पहले शुगर लिया है और हाफ कप लिया है, तो डेढ़ कप मैंने यहाँ शुगर लिया है। पानी देगा डबल, तीन कप पानी देगा। पूरा तीन कप पानी दिया है, गैस को ऑन कर देते हैं। शुगर को एकदम अच्छा से इसमें घुलने देने का। देखिए, शुगर एकदम घुल गया, पूरा मेल्ट हो गया शुगर। तो ये पतला वाला ही रखना है चाशनी। तो अभी गैस को ऑफ करके इसको साइड में रख देते हैं, फिर दूसरा प्रोसेस में चलती हूँ। पैन ले लिया है और गैस को ऑन करके रख दिया है, और हाफ टी स्पून जैसा घी लेगा और इसमें दूध ऐड करना है। एक कप लिया और आधा कप, डेढ़ कप दूध लिया है। गैस को थोड़ा जोर कर दे रहा, दूध को हल्का गर्म होगा तो इसमें सूजी ऐड करेगा। दूध हल्का सा गर्म हो गया है, अभी इसमें हाफ कप सूजी डालेगा। एकदम बारीक वाला सूजी लिया है, अगर मोटा सूजी हो तो उसको थोड़ा मिक्सी में पीस लेने का। इसको अच्छा से मिक्स करना होगा। गैस फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दे रहा। देखिए कितना गाढ़ा बनते जा रहा। तीन से चार मिनट लगता है इसको। इसमें दो चम्मच चीनी ऐड करना है, और इसमें हम कोई सोडा नहीं देगा, तो यही सोडा का काम करेगा क्योंकि थोड़ा जालीदार भी होगा। अच्छे से मिक्स करना होगा। देखिए एकदम ड्राई हो गया दूध, और एकदम पूरा अच्छे से हो गया है। कढ़ाई को भी छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करेगा इसको, थोड़ा सॉफ्ट ही रखने का, क्योंकि ठंडा होने से अपने आप ही हार्ड हो जाएगा। तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए हमको, इसलिए बंद कर रहा गैस। पूरा हो गया, देखिए इसमें नहीं लग रहा। एक प्लेट ले लिया है, इसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको मोल्ड में देगा, थोड़ा फैला देगा, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा। कि जो डो है एकदम ठंडा हो गया है, हल्का हल्का गर्म है। हाथ में थोड़ा घी लगा लेते हैं। हाथ में थोड़ा घी लगा लिया है, और इसको थोड़ा अच्छे से मसल मसल के एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। देखिए इसे एक मोल ले लिया है, इसके थोड़ा घी ग्रीस कर दिया है, और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके
दबा दबा के करना होगा। तीनों में फिल कर दिया है और इसको ऐसे करके दबा देना, फिर इससे अच्छा से एकदम दबा दबा के करने का, तो अच्छा से उसका शेप आएगा, जितना गैप है भर लेने का और एक्सेस जो है वो निकल देने का। मैं निकल के दिखाती हूँ। देखिए दूसरा प्लेट ले लिया है, उसमें रखेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने, बहुत सुंदर होता है। ऐसे करके पूरा बना लेते हैं। देखिए और एक तरीका से भी कर सकते हैं, पूरा इसको बंद कर दिया है, देखिए इसी करके पूरा बंद कर दिया करके यहाँ से इसको फिल करने का। थोड़ा सा ले लिया डो, थोड़ा सा लेके इसके अंदर घुसाने का। एकदम अंगली से पूरा उसको चारों तरफ से ठीक से सेट करने का। अगर आप सोच रहे हो इस गणेश चतुर्थी को शुगर फ्री मोदक बनाने का, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। देखिए पूरा बन गया, इतना ही बना आधा कप से, कितना सुंदर देखने लग रहा। देखिए अभी हम चाशनी जो बनाए हैं शुगर सिरप, उसको गैस ऑन करके रख देते हैं। देखिए गैस ऑन कर दिया है, इसको अच्छा से उबल आने दे, फिर इसको रसगुल्ला जैसे उबलने पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेगा। देखिए शुगर सिरप में 3 इलायची लिया है, इसको थोड़ा कूट के दे दिया फ्लेवर के लिए, पाउडर भी दे सकता है। देखिए एकदम अच्छा से उबल आ गया है। अभी इसी स्टेज में हम एक एक करके मोदक को डाल देते हैं इसमें शुगर सिरप में। एक एक करके डाल देते हैं। पूरा डाल दिया है, थोड़ा कवर कर करके करेगा, क्योंकि इसमें जितना बॉइलिंग होगा अच्छा है, तो अच्छा से इसके अंदर भी रस घुसेगा। देखिए थोड़ा रखा है बीच बीच में चेक करने का, 5 से 7 मिनट लगेगा। देखिए 3 मिनट हो गया, थोड़ा चेक करके देखते हैं। देखिए कितना फूल गया है, 5 मिनट हो गया है और ठीक से एकदम उबल आ गया है। तो हम इसको बंद करके 15 मिनट रखेगा, इसके अंदर में भी अच्छा से मीठा ऐड हो जाएगा पूरा। देखिए मोदक तो रसगुल्ला मोदक रेडी हो गया है, तो अभी हम प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम बहुत फूला फूला है। इतना सुंदर फूला फूला हुआ है, एकदम बहुत बड़ा साइज हो गया। और थोड़ा मैं गार्निश के लिए केसर ले लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। देखिए केसर से इसको गार्निश कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा देखने, खाने में भी अच्छा ही होता है। आप लोग भी बनाइए और आनंद लीजिए।
क्योंकि इसमें डबल मज़ा मिलेगा, एक रसगुल्ला का स्वाद भी मिलेगा और मोदक का भी तो मिलेगा ही। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी रवा रसगुल्ला मोदक रेडी हो चुकी है। ये डिलीशियस रवा रसगुल्ला फ्लेवर मोदक अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहती हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। थैंक यू।